देखिए बिग बास्केट से कितना सामान आया है घर में। हमेशा राशन का खर्चा हर हफ्ते ही इतना आता है। फिनाइल जल्दी ख़त्म हो जाता है, तेल जल्दी ख़त्म हो जाता है, आलू प्याज जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, सब्जी जल्दी ख़त्म हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया ब्लॉग। कल बारिश हुई थी और आज देखिए कितना क्लियर हो गया है चारों ओर। मौसम वैसा ही है, बादलों से ढका हुआ, बट थोड़ी सी धुंध छट गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और देखिए यहाँ पे चाय ऑलरेडी बन के रेडी हो चुकी है। आज मैंने ज़्यादा दूध वाली चाय बनाई है, और ये रस्क, और ये आज बनेगा शलगम और मटर। ये सब तैयारी भी हो चुकी है। यहाँ पे शलगम और मटर भी धो लिए हैं, इन्हें निकाल देंगे अभी। तो आज मैं इसे बिना गुड़ डाले बनाऊंगी, देखती हूँ कैसा बनता है। इसे निकाल लूंगी मैं यहाँ पे। आप बाहर देख सकते हैं, रात को इतनी बारिश हुई है कि कुछ कहने नहीं। और दोबारा से मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। मटर भी निकाल लेंगे। मौसम ठंडा हो जाता है ना, फिर कुछ करा नहीं जाता। अब जैसे वीकेंड आया, मैं सोची थी बाहर जाऊँ निकलूँ, फिर ठंडी आ गई। अब स्कूटी तो नहीं निकालेंगे, जाएंगे पर देखेंगे कैसे जाना है। उस दिन मैं गई थी जैसे मेट्रो से, तो ज़मीन आसमान का फर्क था टेम्परेचर में। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें ठंड कम लगती है, स्कूटी में तो उतनी लगती है। भाई साहब इसको झड़ने के लिए यहाँ रख देंगे। देखिए बिग बास्केट से कितना सामान आया है घर में। हमेशा राशन का खर्चा हर हफ्ते ही इतना आता है। फिनाइल जल्दी ख़त्म हो जाता है, तेल जल्दी ख़त्म हो जाता है, आलू प्याज जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, सब्ज़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं इतने से लोगों में हम लोग कितना कितना खाते हैं। इसको रख देते हैं ले जाके अपनी जगह पे। अभी तो सूखी जगह देख के रख देते हैं, बाद में लगाएंगे इसको प्रॉपरली अपनी जगह पे। ने भी ले जाके रख देते हैं यहाँ से, जाके फिर आराम से सेट करेंगे। प्याज गलती से 3 किलो आ गया, एक जगह 1 किलो था, एक जगह 2 किलो था। धोबने दोनों ही ऑर्डर कर दिए, 3-3 किलो प्याज आता है। अब ये चलेगा शायद 2 हफ्ते। इसको भी यहाँ रख देंगे। और ये 5 बनानाज आए हैं, धनिया। साफ सफाई अभी किचन की करूँगी मैं बाद में, प्रॉपरली सबको अपनी जगह रखूँगी। अभी एक एक के ऊपर एक ऐसे कहीं पे भी कुछ भी रखा है। ये है आलू, ये है शुगर, ये है चॉकलेट मिसली, एग्स, केचप, पॉपकॉर्न, रसबेरी है, ये भाई मेरी फेवरेट रसबेरी, भिंडी, ये है किन्नू, ये कैबेज, ये मटर है, इसके अंदर बेर हैं, ये गोभी है। हमेशा गोभी ऐसे ही बेचते हैं। आप बाज़ार से खरीदोगे तो इतने पत्ते देने की उनकी बेचारों की हिम्मत नहीं होती। ये बिग बास्केट से मंगवाते हैं तो ये हमेशा ऐसे देते हैं, आधा वजन तो इन डंठलों का ही होता है। और ये है बीन्स,
सेम, इसको ब्रॉड बीन्स बोलते हैं और सेम बोलते हैं हिंदी में। और ये क्या चीज़ है इसके नीचे? हाँ, करेला, करेला माय फेवरेट करेला आया है। इसके अंदर है अदरक, इसमें है बीन्स, इसमें टमाटो है। ये वीडियो में किन्नू जैसा लिख रहा था, अंदर बाहर है अभी टमाटो। ये है तोरी और ये आधा किलो का एक बैंगन आया है, इतना बड़ा। तो मैं इन्हें लगा लेती हूँ किचन में, फिर आपसे दोबारा से मुलाकात होगी सेट करने में। आप भी मेरे साथ सेट कीजिए। ये गोभी के डंठल तोड़ लेंगे अच्छे से, नहीं तो ये सारी जगह घेर लेगी। इसको ऐसे ही डालेंगे किचन में। तो इसे पहले सामान निकाल के इसको झाड़ लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले सेट किया था तो आपको, और इसी में ठूस लेंगे तो ये सारे इसमें गीले गीले हो जाएंगे फिर और ख़राब लगते हैं। इसी में थे पहले, पता नहीं कल तो रखे हुए थे इतने सारे बेर, कल ही कल में लग रहा है मुझे ध्रुव ने खा लिया है। अभी नए बेर पे आ गए हैं, इसको भी जल्दी खाना पड़ेगा। कैसे हो रहे हैं पीले पीले? यही बेर वैसे टेस्टी लगते हैं, वो जो बड़े बड़े वाले होते हैं ठीक ही लगते हैं वो इतने, पर ये ज़्यादा बेस्ट है। इसको फ्रिज में रख देते हैं। देखो गाइस कैसे कैसे काम होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने आज डाल दिया प्याज, इस वाली कटोरी में पहले से इतना प्याज रखा है और वो नया प्याज कटता है और अब 3 किलो और आ गया, तो इसे खाली कर लेंगे। ऐसे ही चार चार चीज़ें एक जगह पड़ी रहती हैं यहाँ पे। नींबू भी देखिए कैसे हो रहे हैं, इसी में कुछ और रखेंगे। रसबरी रख दी है मैंने इसमें, ये देखिए कैसे बांध बुन के भेजा है, इसको खोल के अच्छे से इसको फैला लेंगे बाद में। अंडे लगा लेंगे, अंडे 2 थे, वो कुछ दिनों से ध्रुव खा नहीं रहा है अंडे, ऑमलेट मतलब यूज्ड जो पुराने हैं उनको मैंने पीछे रख दिया है और जो नए वाले हैं उनको आगे रखूँगी। याद रहेगा कि ऐसे पीछे वाले पुराने हैं उनको पहले यूज़ करना है। नींबू देखिए कहाँ कहाँ पड़ा है। ये देखिए फ्रिज कितना खाली हो गया, एक जगह रख दिया मैंने सारे बर्तन। ये डब्बे में टमाटर आ रहे हैं, बिग बास्केट से बार बार इतने अजीब अजीब टमाटर आ रहे हैं ना, मतलब लाल भी नहीं आ रहे, देसी आ रहे हैं ऐसे पिलपिले से, ये वो लगता है यहाँ से लाना ही बंद करना पड़ेगा। टमाटर भी 2 जगह आए हैं, गलती से ये 2-2 बार ऑर्डर हो गए हैं लग रहा है मुझे। देखते हैं फ्रिज में। तोरी रख देंगे, रख देंगे बीन्स। फ्रिज की लाइट बंद हो गई है, बहुत देर से खुला रहता है ना फ्रिज तो लाइट भी बंद हो जाती है अपने आप। बीन्स रखती है मैंने यहाँ पे, सेम भी रखती है। और ये आई है मटर, इसको बैठ के छीलेंगे, इसे भारी रहने देंगे।
Open your bottles. It's cracking it. Ketchup. Oh, sorry. Ketchup यहाँ क्यों रखे हैं? वो शुगना यहाँ थोड़ी रखा जाता है. यहाँ पिलाउस और पॉपकॉर्न रहेंगे. बाकी ये प्री आया है सामान के साथ, इसे यहाँ रख देंगे. करेला और भिंडी और मिले हैं यहाँ पे, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं. सब चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे. ये देखिए सब्जी मंगाया जाती हूँ मैं, दिमाग मेरा इतना ख़राब है, पुरानी चीज़ें नहीं. इसको मैंने देखा था कल परसों, फिर भी यूज़ नहीं किया. आज मैं दाल बनाऊँगी इसको डाल के. फ्रूट का भी एक मैंने खाली करके सर्व कर दिया है. और यहाँ पे किन्नो इतने सारे हैं, मैं डालेंगे एप्पल, ये डालेंगे ये देखिए कितनी सारी प्याज है. उसके बाद भी थी मेरी प्याज है, नान ही नहीं है. हाँ जगह बना गई. एक तरफ फ्रूट्स रखे जाएंगे, एक तरफ अदरक लहसुन. यहाँ पे बीचों बीच हम ब्रेड भी डालेंगे, बहुत स्पेस है, एडजस्ट कर करके चीज़ें डालो. देखिए तेल वगैरह हमारा यहाँ रहता है. यहाँ पर तरह तरह की आंटी की भी है. यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं रख देते हैं. यहाँ मसाले वगैरह रहते हैं. ये चावल है, ये जाएगा सबसे ऊपर. यहाँ पे चीनी तो चढ़ा देती, चावल चढ़ा देंगे. चढ़ा दिए दोनों चीज़ें. चाय बना के पिलाती हूँ उसे. और बस यही काम है, रात को क्या खाना बनेगा या सुबह क्या खाना बनेगा, यही सोचने का. चाय पी के मिलते हैं आपसे. आज तो चाय ही लाटी ले पी जा रही है, पता नहीं खाना क्या होगा. यहाँ पे मैंने आज बना लिए परसों बाद यूपी, फाइनली बन गई है. नहीं तो हमेशा इसका प्लान कैंसिल हो जाता था दूसरे नूडल्स की वजह से, और आज फाइनली बन गई है. कितनी चाउमीन टाइप लगती है अंदर से. चाय को उबाल ही रही हूँ तब से, तब बनेगी चाय. देखिए चाय और नूडल्स के साथ आ गई हूँ मैं. यहाँ चल रहा है क्राइम पेट्रोल. पुराने टाइम से बस क्राइम पेट्रोल ही, क्योंकि कोई रियलिटी शो देखने का मन नहीं करता, या तो फिर कोई सस्पेंस और थ्रिलर, थ्रिलर नहीं सस्पेंस वाली सीरीज़ देखूँ, मिस्ट्री वाली, या फिर क्राइम पेट्रोल ही सही जचता है, क्योंकि इसमें सस्पेंस चलता है. तो इसको चाय वगैरह पीते हैं और देखते हैं क्राइम पेट्रोल, और उसके बाद देखेंगे खाना क्या बनाना है. इस मोटे को जब ये आया था तो भूख नहीं लगी थी, और अभी इसने पिज्ज़ा मंगवा लिया सडनली. ये अपने साथ साथ हमारी भी सेहत ही ख़राब करेगा. और इसको देख के ऑलरेडी मुंह में पानी भी आ गया है. इसको ख़त्म करते हैं ना, वॉक पे जा रहे हैं. बस फास्ट फूड खा खा के यहाँ पे फूलते रहेंगे हम दोनों, बस और कुछ नहीं. सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना. थैंक यू.